दादाजी मैं तो छोड़ यार तो पर तो यार दे मैं ही नहीं है मैं चली हम अच्छी के आ गई जैसे के लाला दी माता चुत माता चुत माता चुत Hello gamers, welcome back to my channel everyone and I hope you're doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो सर. PUBG Lite एक ऐसा गेम है ना जहाँ पर आप कैसा खेलते हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप क्या डिसीजन लेते हो वो इम्पॉर्टेंट है गाइस. क्योंकि आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो पे आप लोग एक ऐसा सिचुएशन देखने वाले हो जहाँ पर मेरे पास ना ही हेल्थ था, ना ही बैंडेजेस था और ना ही मेरे पास वेस्ट था, और जो मेरा हेल्थ था वो गाइस एकदम जीरो HP था. अब यार उस टाइम पर मुझे क्या डिसीजन लेना था और मैंने क्या डिसीजन लिया वो गाइस आप लोगों को वीडियो में आगे देखने को मिलेगा. सो यार फिलहाल तो हम लोग उतर चुके हैं चर्च में. और गाइस यार आपको अगर आप लोग अगर वीडियो मेरे गेम प्ले रेगुलर देखते हो तो आपको पता है मैं चर्च में कभी भी नहीं उतरता, लेकिन इस बार मैं चर्च में इसीलिए उतर रहा क्योंकि भाई पायलट प्लाजा से प्लेन जा रहा था और बहुत सारे बंदों ने चैलेंज किया था कि भाई चर्च पे उतर के दिखाओ. तो यार चलो चर्च पे उतर चुके हैं और जो बंदे हैं वो उधर के गुफा के अंदर घुसे हैं. अब देख रहे हैं क्या ही भसड़ मचता है. अब यार मेरे को बंदे दिख चुके थे जो कि थे एकदम मेरे सामने. अब यार यहां पर मैंने थोड़ा सा फायर किया उन लोगों को भटकाने के लिए और इस वाले बंदे को मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था. अगर यहां पर मैंने एक बंदे को डाउन तो कर दिया था बट उसका टीममेट अभी भी जिंदा है. अब इसको मैंने डाउन करके पूरा फुल फिनिश कर दिया और इसके पास जो M416 था वो मैंने ले लिया एंड उसका जो सेकंड बंदा था उसको भी मेरे टीममेट ने खत्म कर दिया. और यार बता दूं ये जो टीममेट है ये टीममेट मेरा टीममेट नहीं है, मतलब मुझे रैंडम टीममेट से मिला था, मतलब रैंडम से मिला था. एंड आगे ही गाइस फ्लैर गन, किसी ने फ्लैर चलाया था. अब यार देखना क्या होता है. तभी कैसे यहां पर मेरे को आगे एक बॉट दिख गया था जिसको मैंने खत्म कर दिया. अब यार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हूं कि भाई ये रियल बॉट था या फिर बंदा था या फिर एक नूब था, पता नहीं गाइस, नीचे कमेंट में बता देना. उसके बाद गाइस मैं गाड़ी लेके सीधे इधर को आ गया और गाइस यार आपको पता है कि रैंडम टीममेट्स मतलब ही भाई क्या ही बताऊं. सो यहां पर मैं आ गया. अब देखना यार पर क्या ही सिचुएशन घटता है. एक बंदे को मैं चढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया बट उसने बहुत ज्यादा फायर किया तो मिला. फिलहाल तो मुझे इधर को आना पड़ा. तो उसके एक बंदे को मैंने डाउन तो कर दिया बट मेरे पास अब हेल्थ नहीं है और ना ही यहां पर आप लोग बोलो आपके पास 10 सेकेंड है, कॉमेंट में बताओ यहां पर मैं मरूंगा या फिर बचूंगा, क्या करूंगा बताओ कमेंट में अभी के अभी.
जी हाँ दोस्तों, मैंने इस वाले बंदे को ख़त्म कर दिया। अब यार यहाँ पर जो मेन डिसीजन था मेरा वो था कि मैं डायरेक्ट रस कर दूँ। यार अगर मैं यहाँ पर छुप जाता ना तो यहाँ पर मैं मरने का बहुत ज़्यादा चांसेस था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था उस बंदे को हील करने का टाइम मिल जाता और उस बंदे के पास बढ़िया लूट था और मेरे पास बढ़िया लूट नहीं था, मेरे पास सिर्फ उसके 5 बैंडेजेस था। अब यार आपको पता है बैंडेजेस लगाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पर मैंने रिक्स उठाया और मैंने बोला जो भी होगा भाई देखा जाएगा, बंदों को पहले ख़त्म करते हैं। और यार ख़त्म कर दिया और देख सकते हो मेरे को ड्रॉप का लूट भी मिल गया। अब यार उसके बाद में इधर को आ गया और मेरा एक टीममेट आ गया था, तो इसको चढ़ाकर मैं इधर को आ गया और यहाँ पर देखना एक बंदा है। अभी इस वाले बंदे को जैसे मैंने ख़त्म किया तभी गए मेरे को हेल्प का आवाज़ आया, मतलब मेरा जो और टीममेट्स है वो गए खतरे में है। अब यार चलो उन लोगों को बचाना तो पड़ेगा। उसके बाद गए इसमें सीधे इधर को आ गया गाली लेकर एकदम भाई कतई भाई इसकी स्पीड में, और यहाँ पर देखना एक बगी में दो दो बंदे। अब यहाँ पर देखना भसड़ मचता है क्या। सो यार यहाँ पर पूरा भसड़ मचता है और इन दोनों बंदों को ख़त्म कर देता हूँ। और यार यहाँ पर देखना मेरा जो टीममेट्स है उन पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रहा था, मतलब दूर से किसी एक बंदे ने, मतलब दूर से एक बंदा भाई M416A4 चला रहा था, मतलब क्या ही बताऊँ। और ये देखो ग्लिच, मतलब मैं ड्राइव में चढ़ जा रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है यार। अभी दूर से जो बंदा हम लोगों पे फायर कर रहा था, मतलब मुझ पे और मेरे टीममेट्स पे, तो उन लोगों को स्पॉट नहीं होते तो सीधे इधर को आ गए गाड़ी लेके। एंड यहाँ पर देखना दो दो बंदे, और यहाँ पर का फाइट देखना गाइस। ओके अभी यार बहुत ज़्यादा जोश में हूँ आज की इस वीडियो में, क्यों गाइस, क्योंकि मैं सुबह सुबह ये वाला गेम खेल रहा हूँ, मतलब उठ के ही गाइस ये वाला गेम स्टार्ट किया था और खेल रहा था। उसके बाद गाइस सीधे इधर को आ गया गाड़ी लेके, और यहाँ पर था ड्रॉप, और आपको पता है जहाँ पर ड्रॉप होता है वहाँ पर बंदा ज़रूर होता है। तो यहाँ पर एक बंदा दिख भी गया हम लोगों को, जिसको मैंने सलमान खान की तरह कतई सड़क में ही चढ़ा दिया भाई, कतई फुटपाथ पर चढ़ा दी कतई क्या ये बताऊँ। उसके बाद गाइस मैं अपने टीममेट को बोला कि भाई चढ़ो गाड़ी में एंड यहाँ से चलो निकलते हैं। अब यार एक चीज़ आप लोग बताना नीचे कमेंट में कि आप लोगों का हाईएस्ट किल कितना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का हाईएस्ट किल, मतलब आज तक आप लोगों ने कितना हाईएस्ट किल किया है, 20, 20, 30, 40, 50 या फिर पूरा पूरी 60 कर दिया, मतलब कितना किल किया हो हाईएस्ट किल बताना नीचे कमेंट में। उसके बाद गए यार बंदे खोजने स्टार्ट हो गया, क्योंकि यार ज़्यादा बंदे बचे भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे बचे थे। अब यार आपको पता है जब 3 बंदा बचा होता है तो कितना ज़्यादा गंदा कैंपिंग करते हैं बंदे। अब मैं इतना ज़्यादा खोजा बंदों को, अब लास्ट में जाके मुझे बंदा मिल जाता है, और कहाँ पर मिलता है वो गाइस देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके अब यार आपको पता ही होगा कि भाई अगर आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो ना तो भाई किल मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किल चोरी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आधा डैमेज आप देते हो और रास का 2 गोली वो मार देता है, कतई भाई किल चोरी करके भग जाता है, तो सिचुएशन ऐसा होता है। तभी गाइस मेरे टीममेट ने बोला कि यहाँ पर बंदा है, अब देखना क्या ही भसड़ मचता है। ये बंदा कतई 0 HP तक गाइस था, क्योंकि मेरा 2 बुलेट खाया और मतलब बंदा मर गया, क्योंकि यार ये बंदा जो दुम दबा के भाग रहा था यार, मतलब क्या ही बताऊं। उसके बाद गाइस गाड़ी पे चढ़ा एंड लास्ट बंदे की खोज में निकल गया। अब यार देखना लास्ट वाला बंदा कहां पर कतई छुपा रहता है, मतलब क्या ही बताऊं, तगड़ा वाला छुपा रहता है, और देखना उसको खोज के मैं मार भी देता हूं। सो यहां पर मैं जैसे है तभी गाइस मेरे एक बंदे ने बोला कि यहां पर बंदा है, मतलब एनिमीज हेड गया, तो यहां पर गाड़ी भी दिख गया मेरे को जो कि ऑलरेडी डैमेज था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर बंदा तो ज़रूर होगा। तभी गाइस फुट स्टेप आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं घुसा तभी गाइस देखा कि यहाँ पर बंदा नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि बंदा कहाँ पर है।
और इजीली इसको मार के खत्म कर दिया। तो ये छोटा सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।